दौलत शर्मा और आप लिखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले एक अहम फैसले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार बिहार की तर्ज पर सूबे में जातिगत जनगणना करवाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस कोर ग्रुप की जयपुर में चल रही बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि यह जानकारी बिहार के पैटर्न पर होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि जल्द ही राजस्थान में कांग्रेस की 6 बड़ी जनसभाएं होंगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता शिरकत करेंगे। राजस्थान में जातिगत जनगणना को विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत की तरफ से ट्रंप कार्ड माना जा रहा है। गहलोत ने कहा कि वे बिहार की तर्ज पर जाति जनगणना इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि लोगों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच सके। बता दें कि हाल ही में बिहार में जाति जनगणना हुई, एक सर्वेक्षण किया गया जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष जमकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के विरोधी दलों को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा पार्टी को घेरा जा सकता है। यही वजह है कि बिहार के बाद अब राजस्थान भी जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए जिलों के बनाने की घोषणा की थी। इन नए जिलों का नाम मालपुरा, सुजानगढ़ व कुचामान सिटी है। गहलोत ने ट्वीट पर लिखा कि जनता की मांग है, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे, मालपुरा, सुजानगढ़, कुमान सिटी। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के मुताबिक सीमांक आदि परेशानियों को दूर करने के लिए यह किया जाता है। और अब राजस्थान में अपनी पैठ बनाने के लिए गहलोत लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 30 साल के इतिहास को यहां पर गहलोत को बदलना है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।